हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को, मोदी जी का जो पूरा 140 करोड़ जनता का परिवार है, उस परिवार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। माननीय मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय गृहमंत्री जी को, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को, उसी के साथ पूरे प्रदेश नेतृत्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोगों के नेता विकास पुरुष जिन्होंने प्रयागराज को नया प्रयाग बनाने का काम किया, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य को, सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को और फूलपुर की जनता के प्रति भी हम इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको दी है। और मेरा भी ये संकल्प है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के अभियान में फूलपुर की भूमिका सबसे अग्रणी हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। रवि जी, आप काफी दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, फूलपुर से मौजूदा विधायक भी हैं, अभी आपको क्या लग रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसी कमियां रह गई और क्या डेवलपमेंट करना बाकी? देखिए, पिछले 50 सालों में जितना विकास नहीं हो पाया था, इस 10 सालों में माननीय मोदी जी ने अभूतपूर्व विकास किया है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और खासकर प्रयागराज को नया प्रयागराज बना है। और उसमें हम लोग भाग्यशाली हैं कि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, जहां कुंभ का मेला लगता है, और कुंभ का मेला हम लोगों के लिए वरदान की तरह है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार जो विकास की बात करती है और विरासत पर भी हम लोगों को गर्व होता है, तो ऐसे संगम में हमारे फूलपुर पार्लियामेंट में पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। अभी आगे आने वाले समय में हम लोग फूलपुर पार्लियामेंट में कुछ बड़े ऐसे काम करेंगे जो एक लकीर होगी। और हम लोगों का लक्ष्य है कि माननीय मोदी जी की जो सोच है, कुछ बड़ा सोचना है, लोगों के लिए बड़ा काम करना है, और पार्टी की जो विचारधारा है अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, यही हम सब लोगों का लक्ष्य है। चुनौती की सुनाओ। देखिए, कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि विपक्ष की हाल आप देख रहे हैं, जनता से पूरे तरीके से कटे हुए हैं, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रोज नई नई बातें आ रही हैं कि आज इनका कट रहा है, कल उनका कट रहा है, परसों उनका कट रहा है। तो जिस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी जहां खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अगर ये भरोसा नहीं है कि हमको लड़ना है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को लड़ना है, आपने देखा कि अपने भतीजे को उन्होंने उतारा और एक दिन बाद टिकट काट के खुद अपना चुनाव लड़ गए। जिस दल का नेता ऐसा हो स्थिर सोच के, तो ऐसे लोग परिवार तो चला सकते हैं, देश और दल नहीं चला सकते। पटेल जी, सलमान खुर्शीद जी की भतीजी जो है, उन्होंने जो है जिहादी